तू शिष्य है, वो सच्चा गुरु नहीं हुआ जो तुमको ऐसे अभेद कर दे, जो तुमको फिर गुरु की इच्छा न हुए तो मैंने पूरा काम नहीं किया। इधर आके तुमको पूरा काम करने का है, पूरा पूरा सतगुरु बेटिया पूरी हुई युद्ध पीछे हसदिया खिलदिया खाम दिया विचय होवे मुक्त हमारे बीच में ही मुक्ति होवे। बीच माना क्या, न त्याग न ग्रहण न खोया न पाया, संसार मूल चुकाया। जे बोलता है खोया तो भी बेवकूफ है, जे बोला पाया तो भी बेवकूफ है। पाया माना जुदा था जो तुमने पाया, खोया माना तुम्हारे से दूर था जो खो के बैठा है। न खोया न पाया संसार मूल चुकाया, मन में जो संशय थे भरम थे द्वेष थे द्वेष थे इच्छा था वासना था कुछ भी था अंदर में बिल्कुल थॉटलेस ईगोलेस, जैसे बिल्कुल ये दीवार जो है साफ है और उस पर हम कुछ भी ऐसे रखेंगे तो दिखाई देगा नहीं दीवार साफ है, ऐसे ये दिल को आईना बना दियो पूरा साफ आईना। इस आईने में जो भी द्वेष वाला आएगा दिखाई देगा एकदम तू निकाल देगा उसको, मेरे को दे जा इससे बात नहीं करने की है। जो देह में विकारी रहता है गुरु के सामने बिना है, क्योंकि ये पाप है तुम्हारे लिए। आप अंदर में जाते हैं तो क्यों नहा धो के जाते हैं, क्यों शुद्ध कपड़ा पहनते हैं, क्यों दूध चढ़ाते हैं, क्यों? तो वो हुआ देह का सफाई, पर मन की सफाई उससे ज्यादा है। मन अपने दी करो सफाई फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। इधर हुए आए जिसका मन शुद्ध होवे लगातार भगवान में मन रख सके, नहीं तो दूर हमारे सत्संग बहुत होते हैं, हर जगह सत्संग होते हैं, उधर सबसे ये ज्ञान सुनते हैं, सीधा मेरे से किसी ने भी नहीं सुना है, सब एक दूसरे से सुन सुन के फिर इधर आते हैं, फिर इधर आके अपना पूरा ज्ञान लेके और पूरी लाइफ बनाते हैं। तो देखो वो जगह जगह में तुम जाके एक दूसरे से ज्ञान सीखो। एक वैशाखी गनका गनका को बोलते है तो की राम रिचायो री गनका तो की राम रिचायो, तुमने राम को कैसे पाया? गनका वैशा है, क्राइस्ट के पास भी एक वैशा है, उसने भी आके सेंट की बाटल लेके 500 की उसका पांव धोया। तो खजानची बोलता है तो तुम पांव क्यों धोती है जो 500 की बाटल पांव में गवाती है और इतने फकीर गरीब है उसको क्यों नहीं धोती है? तो उसने बोला तो इत्तेफाक से पैगंबर आता है, फकीर भी रोज है गरीब भी रोज है सब रोज है, जो रोजानी चीज है उसको हम क्या दे सकते है, पर जो कभी कभी ऐसी जो आती है प्रकट होती है क्योंकि निर्वासना जो होता है निरिच्छा होता है देह जात जिसमें नहीं है और अपने को जुदा किसी से नहीं समझता है। तो देखो वो क्राइस्ट को भी समझाते है लोग तो तुम ये क्यों नहीं इसको बोलते है तो बात लेके जाओ, वो बोलता है हम किसी के दिल को नहीं ठुकरा सकते है क्योंकि जब समझ में तन हुआ तभी एक ऋषि का किसी ऋषि ने ऐसा किया अपमान, उसने उसको फूल माला डाली उसने निकाल दी और उसने हाथी ने कुचला दिया, इससे समझ मैथन हुआ। फिर माया अपना बोलने लगी, ऋषि मुनि अपना बोलने लगा, मतलब बड़ी स्टोरी बन गई। तो भाई ऐसे जो विकार करते हैं किसी से ये उमंग करते करते आखिर आदमी स्टेज पर आ जाता है, उमंग पूरा करते करते आखिर वे भारी हो जाता है। ये इस ज्ञान में भारी होना है, वरना इतना भरपूर हो जाएगा इतना तुमको आनंद मिलेगा शांति मिलेगी जो तुमको उठना पलंग से भी मुश्किल पड़ेगा, कर्म करना भी मुश्किल पड़ेगा। पर मैं तुमको बोलूं ये कर्म छोड़ो तो मैंने कर्ता बन के छोड़ बोला, मैंने बोला ये करो तो भी मैं कर्ता बना, न बोलो करो न बोलो न करो और स्टेट है सीधी सीधा चलो। जैसे कोई रास्ते में बड़ी जगह जाते है तो स्टेट मोटर चलती रहती, ऐसे ये भी सीधा रास्ता भगवान का अपना है। और दूसरा जो बोलता है कर्म से मिलेगा भक्ति से मिलेगा दया से मिलेगा दान से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुम गीता में पढ़ो तो न दान से न पुण्य से न यज्ञ से न हवन से मिलता है पर श्रद्धा से।